बच्चों को कुछ भी सिखाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, फ्रांस, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी बच्चों को पढ़ाओ, पर फिजी के जितने भी लोग बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे आप अपने बच्चों को कुछ संस्कार जरूर दो। अगर आप संस्कार नहीं दे पाएंगे ना, बहुत बड़ी भूल आपसे हो जाएगी। अगर आपने संस्कार नहीं दिया तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। पहला संस्कार हम आपको चाहेंगे, अपने बालक को 20 से 25 वर्ष तक, बेटा या बेटी को ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करो। ब्रह्मचर्य जो पढ़ने वाले बच्चे धारण करते हैं वो तेजवान होते, मेधावी बुद्धि रहती है, याददाश्त तीक्ष्ण होती। लगभग 25 वर्ष तक बेटा या बेटी के लिए ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करो। दूसरा, अपने बेटा और बेटी को आप दूसरा उपाय ये करो, फिजी में आप रहते हो, कभी भी हम चाहते हैं, हम अपनी टीम से बात भी कर रहे थे और आप लोगों को भी हम प्रार्थना करें, हम चाहते हैं कि फिजी में आने वाले 500 वर्षों तक तुम्हारे सनातन धर्म का झंडा ऐसे ही लहराता रहे, कोई मिटा ना पाए, कोई डिगा ना पाए। उसकी नींव तुम्हें आज ही रखनी पड़ेगी, कल नहीं रखनी पड़ेगी, आज ही तुमको जागना पड़ेगा, वरना बहुत पछताओगे, बुरा मत मानना। कल हमारे बच्चे हमको बता रहे थे, वो माताजी यहां होगी भी तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो खड़ी ना हो, पर हमको बहुत कष्ट हुआ कल सुन करके। रात को एक कोई बूढ़ी माताजी यहां आई थी और उन्होंने हमारे सेवादारों को बताया कि उनके दो बेटे हैं, दोनों मुसलमान बन गए, स्कूल में पढ़ने गए, दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। और हाल ये है, वो मां रो रही थी, रोते हुए कह रही थी, क्या बच्चे प्रसाद नहीं लेते घर पर, मंदिरों की मूर्तियां फेंकने को कहते हैं, दिया नहीं जलाने देते। इसी फिजी की बात बता रहे हम आपको, दीपक नहीं जलाने देते, पूजा पाठ नहीं करने देते। विचार करना उस मां पर क्या गुजर रही होगी, जिसके युवान बच्चे साथ छोड़कर जा रहे हो, क्या बीत रही होगी उस मां पर। एक ही घर में रहते हुए बच्चे राम का विरोध कर रहे हैं, पूजा पाठ से दूर, अपने पूर्वजों की फोटो फेंकने पर मजबूर है वो मां। फिजी वालों, हमारी प्रार्थना है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ये घटना घटे। ये कहानी केवल एक, ये एक तो हमें मिल गई, ऐसी ना जाने कितनी कहानियां होंगी जिनकी बेटा और बेटी दूर हो गए, बेटियों ने धर्मांतरण कर लिया और दूसरे मजहब में चली गई। एक दिन ऐसा आएगा कि फिजी में भारतीय सनातनी हिंदू एक नहीं बचेगा। अगर आज नहीं जागे तो कल बहुत बुरा होगा, इसलिए हमारी प्रार्थना है तुम अपने बच्चों को पढ़वाओ भी, अंग्रेजी भी सिखवाओ, पर अपने बच्चों को संस्कार देना मत भूलना। और आज की कथा को तुम नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगी। मात्र 11 बातें तुम्हें नोट करनी है, मात्र 11, और हो सके तो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखो या फिर टीवी पर आप बाद में ये 11 बातें सुन लेना। फिजी में रहने वाले लोग, हमारी ये 11 बातों का तुम शपथ लेकर के भर जाओ। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, इसी फिजी में 1000 वर्ष तक सनातन धर्म का पताका फहराता रहेगा। और तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा कदापि अलग नहीं होगा। मात्र 11 बातें। पहली बात, अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनने के लिए प्रेरित करो, बने या ना बने वो बात अलग, 20 वर्ष तक मात्र। दूसरा उपाय, अपने बच्चों को हर सप्ताह में एक दिन मंगलवार या शनिवार आसपास के मंदिर लेकर के जाओ। तुम पिकनिक के लिए ले जाते हो, आप उनको हॉलिडे के लिए ले जाते हो, हमारी प्रार्थना है, एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना, अपने बच्चों को तुम एक दिन मंदिर ले जाओ, राम जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, यहां जैसे एनडीडी में, यहां जहां हम रहते हैं, यहां से बगल में ही तीर्थ धाम, आज हम दर्शन करने गए, महादेव का दर्शन हुआ, दुर्गा मां का दर्शन हुआ, राम दरबार का दर्शन हुआ, खूब आनंद आया। जाकर के बच्चों को एक दिन ले जाओ और आदत डालो। तीसरा नियम, रोज शाम को 5 मिनट, जैसे भोजन का नियम है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा सोने का नियम है, जैसे तुम्हारा नहाने का नियम है, 5 मिनट फिजी में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया या विदेशों में कहीं पर भी रहने वाले हिंदू हैं,
पांच मिनट बेटा बेटी के साथ बैठकर रामचरितमानस का पाठ करवाओ, मात्र पांच मिनट पढ़वाओ, खुद भी बैठो, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बचाना है बच्चों को तो, अगर तुम्हें इस मां की तरह नहीं रोना है तो, बच्चों को अगर तुम्हें बर्बाद नहीं करना है तो, इसलिए तीसरा नियम, रोज पांच मिनट रामायण का पाठ करवाओ। कभी कभी छूट जाए बात अलग है, यात्रा में है बात अलग है, बच्चों के एग्जाम नजदीक आ गए बात अलग है। चौथा नियम, रोज बच्चों को प्रणाम कराना सिखाओ। माता पिता को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें और गुरु के चित्र को प्रणाम करें। आज के तुम्हारे फिजी के बच्चे या विदेश में रहने वाले बच्चे हेलो हाय के चक्कर में ज्यादा पड़े, दिमाग खराब कर दिया है अंग्रेजी ने, ये हेलो हाय बहुत भयंकर है आजकल तो। पहले तो पिताजी कहते थे, पापा जी कहते थे, आजकल तो हाय डैड, अब वो और गजब है, बाय मॉम, बाय है, गजब ही है, है? इसलिए प्रार्थना है हमारी, आप अपने बच्चे को, ये चौथा नियम आपको बहुत बहुत सरल नियम है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आपके चार पांच घंटे लगने, एक घंटे का काम रोज का है। चौथा नियम, सुबह से जैसे ही बच्चे सोकर उठे तो पहला काम चाय नहीं, पहला काम बिस्कुट नहीं, पहला काम मोबाइल नहीं, जैसे ही बच्चे उठे सबसे पहले उनको बोलो, आप कम से कम दो महीना ट्राई करो, फिर आदत पड़ जाएगी और दो महीने बाद तुम्हारे बच्चे खुद प्रणाम करेंगे। अपने बेटा और बेटी को प्रणाम करवाना सिखाओ, प्रणाम में बड़ी ताकत, वो झुकेंगे, झुकेंगे तो विनम्र बनेंगे, विनम्र बनेंगे तो शास्त्र कहता आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश बल। जो बेटा या बेटी माता पिता गुरु को प्रणाम करता है उसकी चार चीजें सुता बढ़ती, आयु विद्या यश और बल, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, प्रणाम करवाओ। और बुरा ना मानना, जितने यहां पर प्रियजन बैठे, हमारे श्रोता बैठे हैं, हम निवेदन करें तुमको, हम तुम्हें जगाने आए हैं, याद रखना झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। चौथा नियम है, अपने बच्चों को प्रणाम करवाने की कला दो। पांचवा संस्कार, सप्ताह में एक दिन, जैसे संडे आता है छुट्टी का दिन होता है, तो एक दिन अगर आपको मिल सके, ये पांचवा संस्कार अगर आप डाल सको तो बहुत अच्छा होगा, सप्ताह में एक दिन अपने पूर्वजों की कहानियां जरूर सीखो, सुनाओ, कभी रामचरित, कभी गीता का पाठ, कभी महाभारत का पाठ, कभी माँ सीता का चरित्र, कभी प्रहलाद का चरित्र, कभी ध्रुव का चरित्र। अगर नहीं सुना सकते हो तो आप टीवी पर उनको दिखाओ, आजकल बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई भी चरित्र उसको टीवी पर आप दिखा सकते हो, सप्ताह में एक घंटे, ये नियम भी बहुत अच्छा है। छठवां नियम, कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, बुरा ना मानना, हमने कल एक इस्लाम की चर्चा की थी, आज हम आपको एक क्रिश्चियन की चर्चा करते हैं। क्रिश्चियनों के मजहब में एक बहुत अच्छी बात है कि वर्ष में एक बार सांता क्लॉज जो जिस दिन आता है उसको क्या कहते हैं, जो भी है आप समझदार हो, हमारी अंग्रेजी बहुत बैक है, उस डे को वो जरूर तैयारी करते हैं और बड़े फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। हमारे भारत में अभी भी नवरात्रि के पर्व पर माताएं अपनी बेटियों को मंदिरों में पूजन कराने ले जाती, गणेश जी के दर्शन कराती। तो कोई भी त्योहार है, ये छठवां नियम अपने बच्चों के लिए आप नोट कर लें, कोई भी त्योहार है बच्चों से प्रार्थना करवाओ, भगवान की प्रार्थना। कोई प्रार्थना नहीं आती, हनुमान चालीसा पढ़वाओ, वो भी नहीं आता तो एक प्रार्थना तो सबको याद है, श्री रामचंद्र भूपाल भज मन हरण भवय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखे कर कंज पद कंजारुणम। ये रामचंद्र स्तुति भी आप बच्चों को करवा सकते। सातवीं बात फिजी के लिए, और ये बहुत खास है, बहुत मंदिरों के पुजारी भी बैठे, बहुत मंदिरों के ट्रस्टी बैठे, बहुत मंदिरों के आचार्य बैठे, ये आप लोगों के नियम है, आप लोगों के लिए, अपने अपने मंदिरों में सप्ताह में एक दिन एक घंटे के लिए
धर्म की शिक्षा देना प्रारंभ करो। एक घंटे उसमें बच्चों को बुलाओ, प्रसाद की थोड़ी व्यवस्था हो सके तो ठीक है, एक बार आप प्रार्थना है हमारी सप्ताह में एक दिन धर्म की शिक्षा दो, धर्म के चरित्र के बारे में बताओ, रामचरित्र के बारे में, कृष्ण चरित्र के बारे में, हनुमत चरित्र के बारे में आप बताओ। आठवां नियम, घर की बोलचाल में हेलो हाय अंग्रेजी ठीक है, पर प्रारंभ आपका जय सियाराम से होना चाहिए। फोन कॉल पर भी आप अपने बच्चों को जब भी आदत करो, आप गुजराती, गुजरात अगर आप लोग जानते हो, भारत में एक प्रदेश है गुजरात, गुजराती लोगों का एक बहुत अच्छा लोगो स्लोगन है, वहां कोई भी आप स्लोगन है वहां बात करो जय श्री कृष्णा, वो लोग बोलते जय श्री कृष्णा। वृंदावन जाओ तो वृंदावन में आपको जो जहां राधे राधे, तो फिजी में रहने वाले लोगों को भी एक सूत्र, कोई भी बात करें भैया जय श्री आराम, जैसे यहां पर कोई भी बोला बिना का कितना अच्छा है, यहां कुछ भी बात हो, एयरपोर्ट पर भी हो, कुछ भी हो, धन्यवाद भी हो गया, थैंक यू, बोला बिना का, यहां का स्लोगन है। अपने भारत के लोग जहां भी बाहर जाते हैं नमस्ते करते हैं। आप एक उपाय करो, पूछो क्या, अरे पूछो तो जय सियाराम, क्या बोलेंगे जय सियाराम। नौमा, नौमा सूत्र 11 सूत्रों में परिवार की एकता पर जोर दो, क्योंकि एक तो तुम वैसे ही भारत से बहुत दूर हो गए, आपके दादा परदादाओं का बहुत परिवार वहां छूट गया, वहां तुम जाओगे तो जैसे ही तुम अपने गांव में भारत में जाओगे तो उन्हें डर लगेगा कहीं संपत्ति ना मांग ले, कहीं धन बंटवारा ना करें, जमीन का बंटवारा ना करें, फलाने दादा के बच्चे आए तो वहां तो हो सकता खपड़िया फोड़ दें। तो वैसे ही आपके जीवन में तो आप एक काम करो, जितना परिवार है ना यहीं पर उनको एकता के लिए, देखो 7 बार होते हैं, कितने बार जोर से बोलो, 7 बार होते हैं पर 8वां बार है परिवार, इसलिए परिवार की एकता पर जोर दो। और 10वां, अपने पूर्वजों का परिचय दो, ताकि आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहें, अमेरिका में रहें, फ्रांस में रहें, जर्मनी में रहें, न्यूजीलैंड में रहें, इंग्लैंड में रहें, या भारत भी पहुंच जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, तो आपके बच्चे अपने पूर्वजों का इतिहास ना भूलें। हर घर में अपने अपने पूर्वजों की जितनी याद है उतनी एक स्मृति टांगनी चाहिए लिख करके। और 11वीं बात, अपने बच्चों को जब भी मौका मिले सत्संग सुनाने के लिए ले आवे। मात्र ये 11 सूत्र अगर फिजी के लोग अपनी बेटा और बेटी पर कार्य करना 11 सूत्रों पर प्रारंभ कर देंगे, हम आपको वचन देकर के कहते हैं हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, हम नहीं बोल रहे, हनुमान जी की प्रेरणा बोल रही है कि आने वाले 501,000 वर्षों तक सनातन धर्म का पताका फिजी के बड़े बड़े भवनों पर लहराता रहेगा, कभी भी पीछे नहीं झुकेगा।